खबर एटा से, जहां पर 24 घंटे में 3 बलात्कार की वारदातें एकाएक करके सामने आई हैं। बता दें, 3 लोगों ने नाबालिग से रेप किया, गैंग रेप किया और 4 साल से मासूम दुष्कर्म करने का आरोप लगा है मासूम से। तो आरोपी बासफ कर रहा था नाबालिग से दुष्कर्म। पुलिस ने 5 लोगों को इस मामले में दर्ज कर लिया है। तो 24 घंटे में एटा में बलात्कार की 3 वारदातें, जिससे बलात्कार की 3 वारदातों से एटा दहल गया है। 3 लोगों ने जहां एक नाबालिग से गैंगरेप किया है, हवस का शिकार बनाया है, 4 साल से सामूहिक दुष्कर्म करने का आरोप इन 3 लोगों पर लगा है। तो आरोपी बासिफ बताया जा रहा है, जिसने नाबालिग से दुष्कर्म किया। तो पुलिस ने फिलहाल 5 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया है। मामला उनके खिलाफ दरअसल दर्ज किया गया है। तो बेटियों के साथ हैवानियत के मामले कम होने का नाम नहीं ले रहे। और एटा की बात करें तो यहां पर 24 घंटे के भीतर 3 वारदातें एकाएक करके सामने आई हैं, जहां पर बेटियों की आबरू को लूटा गया है, हैवानियत दिखाई गई है और अब 4 साल की नाबालिग लड़की से दुष्कर्म किया गया। और धनंजय भदौरिया हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। धनंजय, क्या कहा जाए, जहां प्रदेश में हम लगातार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि महिलाओं को लेकर और बेटियों को एक सुरक्षित माहौल देने की कोशिश सरकार करती हुई, लेकिन वहीं दूसरी तरफ शायद वो कोशिशें नाकाफी हैं, वो पानी फेर रही उन कोशिशों में। जिस तरह से ये एटा से भी अब एक और मामला सामने आया और 3 मामले 24 घंटे के भीतर सामने आ गए। देखिए, मैं आपको बता दूं कि आपका ये जो सवाल है ये बिल्कुल जायज है, क्योंकि एटा में कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था है उस पर एक बड़ा सवालिया निशान उठता है कि किस प्रकार से, आप देखिए, 24 घंटे में 3 बलात्कार की घटनाएं सामने आई हैं, अलीगंज, जैसरा और एटा कुतवाली नगर। और कहीं ना कहीं आप देखिए कि जो पुलिस है उसको लेकर किस प्रकार से चल रहा है। और एक R9 टीवी ने जब प्राथमिकता से इस खबर को दिखाया था अलीगंज वासी को, तब वो मुकदमा लिखा गया। और तो कहीं ना कहीं एक पुलिस को लेकर एक ये लोगों के मन में बह कि जब पुलिस इस प्रकार से काम कर रही है तो जो बेटियां हैं, जो बच्चियां हैं, उनकी आबरू किस प्रकार से यहाँ सुरक्षित की जाए। और पुलिस जो है वो इनको रोकने में नाकाम नजर आ रही है और पुलिस जो है वो हाथ में हाथ रख के बैठी और घटनाओं का इंतजार करती है। जब वो खबरें टीवी चैनल पर दिखाई जाती है उसके बाद उनका अभियोग पंजीकृत किया जाता है, तब कार्रवाई की जाती है। तो पुलिस पहले से इन लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं करती? जब ऐसी घटनाएं सामने आती है तो पुलिस को पहले ही इनका मुकदमा दर्ज करके और उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। पर वो इंतजार ये करते हैं कि इस मामले को कैसे दबा दिया जाए और ये मामला संज्ञान में आए और फिर उसके बाद जब ये चैनल से उसको खबरों को दिखाते हैं तब जाके मुकदमा दर्ज किया जाता है, तब कार्रवाई की जाती है। जी, अभी इस मामले में क्या कार्रवाई की गई है धनंजय? देखिए, अभी लगातार जो 24 घंटे में 3 बलात्कार के मामले आए हैं, जिसमें कि एटा कोतवाली नगर वाला जो मामला है उसमें 3 लोगों की बताया जा रहा है कि गिरफ्तारी की जा चुकी है और अलीगंज वाले में भी गिरफ्तारी की जा चुकी है। पर जो जैसा का जो मामला है अभी तक उसमें किसी की भी कोई गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो पाई है। पुलिस अधिकारियों का क्या कुछ कहना है इस मामले में? अभी देखिए, पुलिस अधिकारियों का केवल हतों बच्चों की स्थिति है और वो जब मीडिया जब उनको फोन कर रही है, उनसे जानकारी करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनका कहना ये रहता है कि हमारे अभी मामला संज्ञान में आया है और हम इसकी जानकारी करके फिर आपको जानकारी देंगे। पर जानकारी वापसी में नहीं आती है, जब खबर दिखा दी जाती है उसके बाद ट्विटर पर या सोशल मीडिया के माध्यम से SSP के द्वारा एक बाइक दी जाती है। पर अभी तक इन मामलों में पुलिस की तरफ से कोई बयान जारी नहीं किया गया है। बिल्कुल, इस मामले को लेकर ही नहीं बल्कि अभी हाल में जितने भी मामले आए हैं, उत्तर प्रदेश की जो पुलिस है, जिस तरह की कार्यशैली उनकी रही है, खासकर इस तरह के मामलों को लेकर जिस तरह का रवैया सामने आया वो काफी शर्मनाकपूर्ण है और इस मामले में भी कुछ ऐसा ही होता हुआ। धन्यवाद आपका धनंजय, हमारे साथ जुड़ने के लिए।